8-bit सोनिक डाउन होते हुए वेस के द्वारा अक्षय ने डाउन किया फैनेटिक के एश को, सोनिक फिनिश होते हुए स्काउट के द्वारा रियू वाइटी ने डाउन किया स्काउट को, फैनेटिक वर्सेस 8-bit होता हुआ त्रिलोक ने डाउन किया, और आई गेस फैनेटिक की स्क्वाड काफी ज्यादा मुश्किल में अभी फंसने वाली है, मे बी एलिमिनेट भी हो गई है, देखेंगे उनको थोड़ी देर में। एश भी एलिमिनेट, 8-bit त्रिलोक परितोष के द्वारा नॉक्ड आउट हुए और फिनिश भी किए गए, परितोष अकेले बचे हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा, बट एंटिटी वर्सेस वीएससी क्रॉलर्स हो सकता है, दोनों की दोनों स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। नियो सीधे पे शॉट देते हुए सारे स्लैमिंग करते हुए अंदर के साइड पे, नियो डाउन, ज़ीगोट डाउन हो सकते हैं, बट नहीं, वेम्पायर को डाउन किया, इवन डाउन किया ज़ीगोट को, क्लच स्क्वाड अकेले बचे हुए, क्लच कर सकते हैं या नहीं, अकेले बचे हैं वीएससी के सीजी आई गेस बचे हुए, या वो भी डाउन हो चुके हैं, यस बिल्कुल सीजी अकेले बचे हुए, क्लच स्क्वाड रश करते हुए वीएससी की स्क्वाड में भी एलिमिनेट हो सकती है, सीजी बाहर के साइड जाएंगे घातक दूसरे साइड से रोटेट करते हुए, इसी के साथ वीएससी क्रॉलर्स की टीम एलिमिनेट होते हुए एंटिटी की स्क्वाड अच्छा रश गेम प्ले दिखाते हुए, बट उन्होंने स्पॉट किया तो था फैनेटिक के दो मेंबर अभी भी जिंदा, वेस और रौनक जिंदा है, क्लच गॉड को उठाने की कोशिश की जाएगी, गब्बर में भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं यहाँ पे, वेस को थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा, लीजेंड फिनिश होते हुए और इसी के साथ टेम्पेस्ट भी फिनिश हुए परितोष के द्वारा, टोटल 4 टीमें और 8 मेंबर अभी भी बाकी। इनसेन फैनेटिक की बात करें तो टोटल उनके पास 6 किल हैं, ब्रॉलर्स की बात करें तो इनके पास टोटल 6 किल्स हैं, एंटिटी के पास देखना पड़ेगा टोटल 10 किल्स हैं, टोटल 4 टीम है, मुझे 3 टीम दिखाई दे रही है, एक टीम कहाँ है मुझे नहीं पता। ओके एनएक्सटी रमन अभी भी जिंदा है, प्लेस उनके बाहर हील बैटल कर रहे हैं रमन, बट टॉप 3 में आ नहीं सकते, फोर्थ पोजिशन पे उनको एलिमिनेट होना पड़ेगा, गब्बर अपनी पोजिशन देने से रहे, फैनेटिक के दो मेंबर अभी भी जिंदा है, एंटिटी के चार मेंबर जिंदा, टोटल 10 किल हैं, इन तीनों को मारा तो टोटल 13 किल्स उनके खाते में होंगे, टोटल 7 बंदे और 3 मेंबर्स अभी भी अलाइव है। परितोष और ओएस की बात करें, स्मोक सोल उन्होंने बिछा दिया है पूरी तरीके से और अभी के लिए जोन में मूवमेंट करेंगे, टोटल 22 मीटर्स जाना है, 19 सेकेंड्स उनके पास हैं, गबर को भी जोन में निकलना पड़ेगा, बट 2v4v1 का सिचुएशन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओएस आगे के साइड पे गए, ओएस डाउन, जी गॉट का नेट, प्यारा नेड आता हुआ, परितोष की बात करें गबर थोड़ा सा थर्ड पार्टी कर सकते हैं, क्लच गॉड का हेल्थ काफी ज्यादा डैमेज, बट नहीं, क्लच गॉड ने क्लच किया, मैच यहां पे फिनिश होता हुआ और एंटिटी के पास पहला चिकन डिनर आता हुआ विद 13 किल्स, फैनेटिक की स्क्वाड ने खेला अच्छा, उनके पास टोटल 6 किल।